गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर एड्सॉर्प्शन को डिस्कस किया था और एड्सॉर्प्शन की टाइप फिजिकल और केमिकल एड्सॉर्प्शन को हमने डिस्कस कर लिया था। तो व्हाट वी हैव डिस्कस्ड कि एड्सॉर्प्शन एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें किसी पर्टिकुलर सरफेस पर अदर पार्टिकल्स आकर के अटैच होते हैं। इट मीन्स जो एड्सॉर्बेंट सरफेस होती है उस पर एड्सॉर्बेंट पार्टिकल्स आकर के अटैच होते हैं और इस फिनोमिना को हम एड्सॉर्प्शन कहते हैं। अब आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो एड्सॉर्प्शन की रेट को अफेक्ट करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि एड्सॉर्प्शन की रेट हाई होगी या लो होगी, इसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं, आज की क्लास में हम ये बात डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली there are four factors which affect the rate of adsorption. The first one is nature of adsorbent. Adsorbent आपको मालूम है, surface जिसके ऊपर adsorption होना है उसे adsorbent कहते हैं। Second is nature of adsorbate. Adsorbate particles which are going to attach on a surface are called adsorbate. Pressure and temperature, यानी basically चार फैक्टर्स हैं जो एड्सॉर्प्शन की रेट को अफेक्ट करते हैं, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट, प्रेशर एंड टेम्परेचर। सो लेट्स डिस्कस द फर्स्ट फैक्टर, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट। देखिए, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट को समझने के लिए हम दो अलग अलग सब्सटेंस या दो अलग अलग मैटर लेते हैं। फर्स्ट वन इज देखिए आपके सामने यहाँ पर दो तरह के सब्सटेंस मौजूद हैं। ये हमारा सब्सटेंस वन है एंड दैट इज आर सब्सटेंस टू। आप देख सकते हैं दैट इज द सरफेस ऑफ सब्सटेंस वन, दैट इज द सरफेस ऑफ सब्सटेंस वन, व्हाइल दैट इज द सरफेस ऑफ सब्सटेंस टू। दोनों ही के अंदर आप एक डिफरेंस देख सकते हैं कि सब्सटेंस वन जो है उसकी सरफेस काफी स्मूथ है। It means we have a smooth surface here. While in second matter, the surface is a bit rough. तो मैं first जो surface है उसको लिख सकता हूँ smooth surface. जबकि second वाली surface को मैं लिख सकता हूँ rough surface. अब suppose कीजिए इन दोनों ही surface के ऊपर adsorbent particles attach होने के लिए आते हैं। तो मैं यहाँ पर adsorbent particles बना लेता हूँ। ये इस मीडियम के अंदर हमने बहुत सारे गैस पार्टिकल्स या सॉलिड पार्टिकल्स एड्सॉर्ब होने के लिए रिलीज कर दिए हैं, यानी कि इन दोनों ही मैटर के आसपास बहुत सारे गैस पार्टिकल्स या सॉलिड पार्टिकल्स मौजूद हैं, जो कि आपको ब्लू इंक से यहां पर दिखाई दे जाएंगे। अब यहां पर मेरा क्वेश्चन है कि वो कौन सी सरफेस होगी जिस पर ये गैस पार्टिकल्स ज्यादा अच्छे से अटैच होंगे। तो देखिए, ध्यान रखिएगा, वो सरफेस जो ज्यादा रफ है, वो सरफेस जो ज्यादा रफ है उस पर गैस का एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगा, जबकि वो सरफेस जो स्मूथ है, जो चिकनी सरफेस है, उस पर गैस का एड्सॉर्प्शन थोड़ा कम होगा। इट सिंपली मींस कि हमें ज्यादा पार्टिकल्स कहां अटैच दिखाई देंगे, सरफेस नंबर टू पर या सब्सटेंस नंबर टू पे, जबकि जो हमारी फर्स्ट सरफेस है जिसको हम स्मूथ सरफेस भी कह सकते हैं, वहां पर ज्यादा पार्टिकल्स अटैच नहीं हो पाएंगे। जी हाँ, ये देखिए आप, सरफेस वन पर ज्यादा पार्टिकल्स अटैच नहीं हो पाए हैं, जबकि सरफेस टू पर काफी ज्यादा पार्टिकल्स आपको अटैच दिखाई दिए। यहां से एक कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर एड्सॉर्बेंट, यानी कि वो सरफेस जिस पर एड्सॉर्प्शन होने वाला है, अगर वो रफ सरफेस हो तो वहां पर रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन हाई हो जाती है। इसका मतलब है वहां पर एड्सॉर्बेंट पार्टिकल्स ज्यादा अच्छे से अटैच हो पाते हैं, जबकि अगर हमारी सरफेस स्मूथ हो, अगर हम चिकनी सरफेस के ऊपर एड्सॉर्प्शन करा रहे हो, तो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन घट जाती है, डिक्रीज हो जाती है। इट मींस एड्सॉर्बेंट पार्टिकल्स स्मूथ सरफेस के ऊपर ज्यादा अच्छे से अटैच नहीं हो पाते।
अगर हम इसके पीछे का रीजन देखना चाहें कि व्हाट इज द रीजन कि रफ सरफेस पर एड्सॉर्प्शन की रेट बहुत अच्छे से हो रही है जबकि स्मूथ सरफेस पर बहुत अच्छे से नहीं हो पा रही है, तो उसका सीधा सीधा रीजन है कि जो रफ सरफेस है उसका सरफेस एरिया हाई होता है, सरफेस एरिया इसका ज्यादा है, हाई सरफेस एरिया है, जबकि स्मूथ सरफेस में सरफेस एरिया काफी कम है। देखिए आप यहां पर सीधे सीधे देख सकते हैं, जब आप इस सरफेस की ओर देखेंगे, इन दोनों सरफेस का जब आप कंपैरिजन करेंगे, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि काफी स्पेस मौजूद है, काफी जगह, काफी एरिया मौजूद है जिस पर पार्टिकल्स अटैच हो सके, जबकि फर्स्ट सरफेस के अंदर अगर देखा जाए तो कंपैरेटिवली एरिया बहुत कम है। जब ज्यादा सरफेस एरिया अवेलेबल है तो पार्टिकल्स अटैच आसानी से होंगे, जबकि जहां पर कम सरफेस एरिया अवेलेबल है वहां पर पार्टिकल्स भी कम अटैच होंगे। इट सिंपली मीन्स कि नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट पर एड्सॉर्प्शन डिपेंड करता है। अगर रफ सरफेस होगी तो एड्सॉर्प्शन की रेट हाई होगी, और अगर स्मूथ सरफेस होगी तो एड्सॉर्प्शन की रेट भी कम होगी। अब यहां पर एक क्वेश्चन हमारे साथ बनता है जो बोर्ड एग्जाम्स में काफी बार पूछा जा चुका है कि वो कौन सी फॉर्म है चारकोल की जिसमें एड्सॉर्प्शन की रेट मैक्सिमम हो जाती है। देखिए यहां पर हमें पता चल चुका है कि जैसे जैसे हम सरफेस एरिया इंक्रीज करते जाएंगे, जैसे जैसे हम सरफेस एरिया इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन भी हमारी बढ़ती जाएगी, जबकि अगर सरफेस एरिया हम कम करते गए या लेस सरफेस एरिया रहा तो हमारी रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन भी कम होती जाएगी। तो अगर मुझे चारकोल का एक टुकड़ा दे दिया जाए, सपोज कीजिए कि एक चारकोल का टुकड़ा है और मुझे इसकी रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन मैक्सिमम करनी है, ज्यादा से ज्यादा इस पर गैस पार्टिकल्स अटैच हो सके, मुझे ऐसा इसको बनाना है, तो मुझे इसका क्या बढ़ाना पड़ेगा, मुझे इसका सरफेस एरिया इंक्रीज करना पड़ेगा। सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, होल्स कर सकता हूँ, छोटे छोटे छेद कर सकता हूँ, छोटे छोटे होल्स करने पर इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। तो मैंने चारकोल के टुकड़े पर छोटे छोटे होल्स कर दिए और होल्स करने से इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया, ठीक है, ऐसा करने पर इसका रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगा। सपोज कीजिए मुझे इसका सरफेस एरिया मैक्सिमम करना हो, अगर मैं सरफेस एरिया मैक्सिमम कर दूंगा तो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन भी मैक्सिमम हो जाएगी। तो देखिए किसी भी मैटर, किसी भी सॉलिड मैटर या सॉलिड सब्सटेंस का अगर सरफेस एरिया मैक्सिमम करना होता है तो हमें उसे पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना चाहिए, यानी कि मैं क्या करूंगा, चारकोल को पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, और चारकोल को पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब है कि हम इसे बारीक पीस लेंगे और बारीक पीसने के बाद हमें जो लेयर मिलेगी उसका सरफेस एरिया हाईएस्ट होगा, ठीक है, ये पाउडर्ड फॉर्म में चारकोल है और इसका सरफेस एरिया मैक्सिमम होगा। अब इस फॉर्म के अंदर इसकी रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन मैक्सिमम होगी क्योंकि इसका सरफेस एरिया मैक्सिमम है। तो बेसिकली जब चारकोल पे हमने ना होल्स किए थे और ना ही इसे पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया था, तब इसकी रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन मिनिमम थी क्योंकि सरफेस एरिया यहां पर मिनिमम था, ठीक है। जैसे जैसे हम इसका सरफेस एरिया बढ़ाते गए वैसे वैसे इसकी रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन भी बढ़ती गई, और इन द एंड जब हमने इसे पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया तब इसका सरफेस एरिया मैक्सिमम हो गया, और मैक्सिमम सरफेस एरिया का होने का मतलब है मैक्सिमम रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन, ठीक है। तो यहां पर हमें नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट के बारे में पता लगा। अगर सरफेस का नेचर यानी एड्सॉर्बेंट का नेचर ऐसा हो कि उसका सरफेस एरिया मैक्सिमम हो तो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन भी मैक्सिमम होती है, और अगर सरफेस एरिया मिनिमम कर दें तो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन भी मिनिमम हो जाती है। थैंक यू।